सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5700 सीआर में गुजरात टाइटंस को खरीदा। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स का एक्चुअल हेड ऑफिस है लग्जमबर्ग में, बिकॉज वो कंपनी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करती है और उसको हर इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है जिस पर उसको टैक्स सेव करना होता है। सो फॉर गुजरात टाइटंस उसने डायरेक्ट लग्जमबर्ग से ना खरीद के केमैन आइलैंड्स में एक एसपीवी बनाई बाय द नेम ऑफ सीवीसी क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंडर खरीदा गुजरात टाइटंस को। सो व्हाई डिड सीवीसी कैपिटल पार्टनर, जिसके पास 1,17,000 करोड़ के एसेट से, चूज सच लिटिल कंट्री फॉर परचेजिंग द राइट्स ऑफ गुजरात टाइटंस? सबसे पहली वजह है, अगर सीवीसी कैपिटल पार्टनर ने डिसाइड करा टू सेल आउट गुजरात टाइटंस, जैसा कि वो अपने हर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के साथ में करते हैं, तो उनको केमैन आइलैंड्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज केमैन आइलैंड्स पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। दूसरी वजह है, अगर उस स्पेशल पर्पस व्हीकल को गुजरात टाइटंस से प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उस पर केमैन आइलैंड्स में कॉर्पोरेट टैक्स रेट है जीरो। तीसरी वजह है, जितना भी प्रॉफिट्स गुजरात टाइटंस से सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स कमाएगी ईयरली, तो उन सब प्रॉफिट्स को जो डिविडेंड्स के रूप में लेगा सीवीसी कैपिटल पार्टनर, उस पर उसको टैक्स रेट लगेगी जीरो, ना ही उस पर किसी भी तरह का विदहोल्डिंग टैक्स है केमैन आइलैंड्स में। फिर आता है, सीवीसी क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने लोन लेकर के गुजरात टाइटंस को एक्वायर करा, तो उस लोन पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा वो भी डिडक्टेबल होगा। पांचवी वजह है डेप्रिसिएशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे, जिससे उनके एक्सपेंस बढ़ेंगे और टैक्स सेव होगा। तो जितना भी टैक्स वो स्पेशल पर्पस व्हीकल पे करेगी इंडिया में, उतने ही अमाउंट का उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एंड ओनली बाय दिस लिटिल टैक्स प्लानिंग सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने बचाया है अप्रॉक्स 1,000 करोड़ से लेकर के 1,600 करोड़ के बीच का टैक्स।